सबसे पहले तो ये पिछली बार उल्टा पहना था, खूब सुनना पड़ा था। अब ये बताना, जब भी कोई चीज खराब होती हम उसे महंगी करके बेचते हैं, जैसे कि सिगरेट और अल्कोहल, तो अगर हम इन दोनों पे टैक्स लगा सकते हैं तो मैरुआना पे क्यों नहीं। अब ध्यान से सुनना, भांग, गांजा, चरस, ये तीनों बनते हैं कैनबिस प्लांट से। ये कैनबिस नहीं पर मान लो, और इंडिया में कैनबिस को रेगुलेट करता है NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये एक्ट इस प्लांट के लीव्स, स्टेम्स और सीड के यूज को अलाउ करता है, वहीं इसके फ्लावर्स और इसके रेजिन को इलीगल डिक्लेयर करता है। और इसीलिए भांग लीगल है, क्योंकि भांग बनता है इस प्लांट की लीव्स और स्टेम से। वहीं गांजा, जिसे वीड भी कहते हैं, वो बनता है इस प्लांट के फ्लावर से। और चरस, जो सबसे ज्यादा नशीला होता है, वो बनता है इस ड्राइड फ्लावर्स को घिस घिस के, जो रेजिन डिराइव होता है उससे। क्या कैनबिस प्लांट के प्रोडक्शन, यूज और सप्लाई पे ब्लैंकेट बैन हटाकर उसे अच्छी तरीके से लीगली रेगुलेट करना चाहिए? एक प्रो इसका ये है कि इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा, पर ओवरऑल प्रो ज्यादा है कि